हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियड्स के साथ साथ स्कूल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, या मैं ये कहूं कि जिस चैप्टर की अपन एनसीईआरटी के बारे में बात करने वाले हैं, वो चैप्टर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अपन सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि एनसीईआरटी ने उस चैप्टर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है और हम लोगों ने कितना कितना कवर कर लिया है। ओके, और अगर एनसीईआरटी में हमारे कोई पॉइंट्स अगर स्किप हो गए हुए ना, तो आज अपन उसको कवर कर लेंगे। ओके, फटाफट से जल्दी से आ जाओ। ओके, फटाफट जल्दी करो, जहां पे भी उलझे हुए फटाफट से सुलझ जाओ, फिर अपन जल्दी से आएंगे। ओके, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपनी नोटबुक ले लेनी है। ओके, और एक पेन ले लेना है, कागज कलम उठा लो फटाफट से। चलो 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 फटाफट से जल्दी से आ जाओ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फटाफट बेटा फटाफट जल्दी करो इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चले आगे, आ जाओ फटाफट। ओके, देखो हम लोगों ने सेल चैप्टर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है ना। एक एक सेल ऑर्गेनेल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके अलावा सेल की डिस्कवरी को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करी है। इसके अलावा मैं बात कहूँ सेल साइज की, सेल शेप की, बहुत कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली है। लेकिन सर आज अपन क्या करने वाले, तो सीधी सी बात ये है भाई साहब कि आज हम एनसीईआरटी ने हमें सेल के बारे में क्या क्या बताया है और हमने उसको किस तरीके से पढ़ा है, बस ये देखने वाले हैं। ओके, प्लस इसके अलावा जो एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, आज अपन उनको यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, पक्का। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चले आगे। नहीं, चलो 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 फटाफट से। और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास 8 के संदर्भ में, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपना चैनल ज्वाइन करने के लिए एक छोटा सा काम करना है बेटा, वो ये t.me/ttb08। ये 8th क्लास का कोड है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो चुके होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारा स्टडी मटीरियल। इसके अलावा मैं बात कहूँ सैंपल पेपर्स हैं, इसके अलावा सैंपल डीपीपीस वगैरह प्रेजेंट है। ओके, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस बहुत धुआंधार कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा अगर आपको और भी शानदार प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पर आना होगा, जो है www.talkingtextbooks.in। ओके, क्लियर। यहाँ पे आप आओगे, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, तो आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चूज करनी है। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्विजेस, इसके अलावा होमवर्क, बहुत कुछ मिलने वाला है, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे, आप सेकंड नंबर के विंडो पे आ चुके होंगे। सेकंड नंबर का पेज आप लोगों के लिए जो होगा, वो होगा प्राइस डिटेल का। और प्राइस डिटेल में आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज वो ये है कि आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बस और बस आप लोगों को क्या कर देना है, वी आर लाइव, ये कोड अप्लाई कर देना है। ओके, जैसे आप ये कोड अप्लाई करोगे, जैसे कि यहाँ पे 6th क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो 9000 में आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, 27 डिडक्ट हो जाएगा, और ये जो पैकेज है आपको मात्र 6300 में अवेलेबल होगा। जैसे बाई पैकेज पे क्लिक करोगे, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट गेटवे पे चले जाओगे और आप अपनी सुविधा से जिससे चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी सहूलियत हो, जिसमें आपको मजा आए, उस हिसाब से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। इसमें अगर किसी तरह की कोई दुविधा हो, तो आप लोगों के पास में नंबर है यहाँ पे 9549041111, यहाँ पे आप फोन करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। ओके, चलिए फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। www.talkingtextbooks.in। ओके, चले आगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है सेल डिवीजन और एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस करना है, फटाफट से करो, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. चलो 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 फटाफट से करो।
हो गया। चलिए ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, करना ही पड़ेगा, आई प्रॉमिस, फटाफट, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। ये अंकल का देखो विश्वास नहीं टूटना चाहिए, पता है ये मेरे साथ में बहुत अच्छे हैं, ये बोलते हैं कि प्रॉमिस हो गई होगा अपना। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जो आज अपन देखने वाले हैं पूरी की पूरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए, जो बच्चा अगर आज हमारे साथ में नया जुड़ा है, बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सर मैंने तो इतनी सारी क्लासेस स्किप कर दी हैं, मेरे कैसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा सब्र क्या रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर है, चले बस थोड़ा सा सब्र रखना यार। क्या होता है बहुत से बच्चे ये बोलते हैं सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं। अरे भाई क्या समझ में नहीं आया यार, है थोड़ा सा सब्र तो रख, समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हमने 8 क्लासेस ले ली है सेल के ऊपर, अब तो डायरेक्ट 9th क्लास के अंदर आकर के बैठेगा, मतलब 9th नंबर के लेक्चर में आके बैठेगा, तो यार थोड़ा सा तो मतलब बात उलझन वाली है ना। और ये बच्चे जो होते हैं फिर वो सर समझ में ही नहीं आया, समझ में कैसे आएगा, स्टार्टिंग से बना हुआ, या फिर समझना है तो थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ओके चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी माता ने यह कहा है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के एक शख्स ने की थी, क्या हमने गलत पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा ना, तो हमने भी तो यही पढ़ा था, एनसीईआरटी ने अपनी लैंग्वेज में कह दिया, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या करा था, सेल की डिस्कवरी की थी। और सेल की जब इन्होंने डिस्कवरी की तो एक कॉर्क सेल ली, कॉर्क सेल को वो बारीक करते गए, मतलब बहुत स्लाइसेस के अंदर काटते चले गए, जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आई, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आई, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और हमने भी तो पहली क्लास के अंदर यही पढ़ा था, फटाफट से देखो फिर मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा इसको, एक बार बस इसको निहार लो, आंखों में बसा लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ओके बस एक बार देख लो बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूं पूरा का पूरा क्या है और एनसीईआरटी ने हमें क्या कहा है। हो गया, चलो ठीक है, अब मेरी बात को समझना। देखो ये थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क सेल ली, ओके, मतलब लकड़ी का कोई सा भी गुट्टा ले लिया होगा, है ना, मतलब डेड सेल थी वो एक तरीके से। अब इस सेल को लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, इसको काटना स्टार्ट किया, मतलब मान लीजिए मेरे पास में यहां पे कुछ है, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, इसको काटना शुरू करा, मतलब मैं काटूंगा तो नहीं इसको, है ना, इसको काटना शुरू करा और इसकी बिल्कुल एक थिन स्लाइस ली, और उस थिन स्लाइस को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो ध्यान से देखना उनको किस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आई, उनको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिली, ऐसे मतलब बहुत बहुत सारी स्ट्रक्चर्स देखने को मिली। अब देखना आप इस तरफ, ये इस वाली स्लाइस की बात कर रहा हूं मैं, अब इसके अंदर भी तो कुछ इस तरीके से देखो, ये बहुत सारी सेल्स है और एक छोटे छोटे मतलब कंपार्टमेंट को, अब मेरी बात सुनना, अब आप कहोगे सर कंपार्टमेंट किसका नाम है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये वाली सेल जो है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको मैंने क्या कहा है, कंपार्टमेंट कहा है। ओके अब इस कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक साहब ने क्या नाम दिया, सेला, क्या नाम दिया, सेला। अब ये सेला वर्ड क्या है, ये बेटा एक लैटिन नेम है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, क्या होता है, स्मॉल रूम। और ये जो सेल वर्ड है, कौन सा वर्ड, जो सेल वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है, ये सेला वर्ड से ही डिराइव हुआ है। पहली बात तो ये क्लियर है कि नहीं, कि सेल की नाम की उत्पत्ति, मतलब ये सेल जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये पहली बार कहां से आया है,
सेलर वर्ड से आया है, ओके। और सेल के बारे में हम लोगों ने देखा कि इस छोटी छोटी कंपार्टमेंट को इन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेला, यानी कि सेल नाम दिया। क्लियर हो गया, क्लियर है ना। अब जब इन्होंने डिस्कवरी की थी उस टाइम पे कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, 1665 का टाइम था, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब इन्होंने ये कॉर्क सेल ली होगी तो यार ये तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अपन भी जानते हैं कि कैसी सेल थी, ये डेड सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी। यही एनसीईआरटी ने कहा है और हमने L1 के अंदर यही पढ़ा था। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया कि भाई इसके पास में क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बेटा, क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। और ये सारे के सारे बॉक्सेस जो है ना, कैसी स्ट्रक्चर बनाने, लाइक हनीकॉम। देखो ना, मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने कभी भी, देखा होगा यार, कभी भी आप मार्केट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऊंची ऊंची इमारतों पे क्या होता है, लगा हुआ रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, वहां पे लगा हुआ रहता है। तो उसने कैसा देखा कि यार ये सब ऐसा अपियर हो रहा है जैसे कि मतलब हनीकॉम, मतलब मधुमक्खी का छत्ता हो, ओके। He also noticed that one box has separated. उसने ये भी देखा कि इसमें जो एक बॉक्स है, जो एक कंपार्टमेंट है, जो एक छोटा सा कमरा है, जो एक सेल है, उसको इसने क्या नाम दिया बेटा, सेल नाम दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके। यही एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। फटाफट से देखो आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की अगर अपन बात करें, एक बार बताओ मैं आप लोगों से एक बात कहूं, आपने किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का वर्क देखा है क्या? बिल्कुल देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा यार। एक बार बताओ देखा है कि नहीं देखा, एक बार बताओ। तो वो जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क चल रहा है, जहां पे वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक छोटी छोटी ईंटों को लेकर के, छोटी छोटी ब्रिक्स को लेकर के एक कंपार्टमेंट बनाता है। उस बहुत सारे कंपार्टमेंट मिलकर के एक मल्टीप्लेक्स बन जाता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम होता है, हमारी बॉडी भी वैसे ही बनी हुई है। ये छोटे छोटे ब्रिक्स मिलकर के, ये छोटे छोटे ब्रिक्स मिलकर के, ये छोटी छोटी सेल्स मिलकर के, देखो ये छोटी छोटी सेल्स मिलकर के पूरी की पूरी बॉडी, यानी कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म रेडी करती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसीलिए तो हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फटाफट से आगे बढ़िए, देख लो एक बार। क्लियर हो गया बेटा, चले आगे। तो मैंने जो जो चीजें लिखी है ये बताइए आप लोगों को, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द फंक्शनल
स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीजें हम लोग जानते हैं और हमें ऑलरेडी इन चीजों का ज्ञान है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिव्यूज पॉइंट्स वगैरह या रिवीजन के तौर पे अगर अपन बात करें तो रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उन पॉइंट्स को अगर हम रीड कर लेंगे तो सारी की सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे जो दिया हुआ है वो है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, एक छोटी छोटी ब्रिक्स जिसे सेल कहा है हम लोगों ने, उससे मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा जो पार्ट होता है, एक छोटा सा जो ऑर्गन होता है, उस वो ऑर्गन भी एक छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। कहने का मतलब आप लोगों को पता होगा, एक मिनट, आप लोगों को पता होगा सेल कंबाइन होकर के क्या बना रहे, टिश्यू बना रहे। टिश्यू कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं बेटा, ऑर्गन बना रहे। ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना रहे और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा वही तो इन्होंने कहा है, ऑर्गन आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स। तो ये ऑर्गन किससे मिलकर के बना होगा, टिश्यू से मिलकर के बना होगा। टिश्यू किससे मिलकर के बना होगा, सेल से मिलकर के बना होगा। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, कॉर्क सेल के अंदर हम लोग जानते ही है। अच्छा, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फटाफट से कमेंट करो। रॉबर्ट हुक जी ने तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अब मुझे तो बता दो कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फिर बताओ, बताइए। क्लियर, वेरी गुड। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने, ओके, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेल की जो वेराइटी की, अगर अपन बात करते हैं साइज और शेप की, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट शेप हम लोगों ने पढ़ी है। आप लोगों को पता होगा जो हमारा L2 है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सेल साइज और सेल शेप के बारे में बताया। ओके, क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब के सेल की साइज और शेप वगैरह की अगर अपन बात करें तो ये वेरी कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें साइज शेप की बात नहीं कर रहे, मतलब नंबर ऑफ सेल, मतलब ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है। ओके, सब रहेगी एगी। अगर मैं हाथी की बात करूं, एक मैं चूहे की बात करूं, हाथी और चूहे की अगर अपन कंपैरिजन में बात करते हैं ना तो एक ही होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स वेरी कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑर्गेनिज्म कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फटाफट से द सिंगल, अगर किसी के पास सिर्फ एक सेल है वो सेल वाइटल एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो उसे क्या कहेंगे हम, यूनिसेल्यूलर। याद करो मैंने आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ सेल मैंने उस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोगों को बताया हुआ था, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और आप लोगों को इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, अमीबा। अमीबा क्या है बेटा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना। नेक्स्ट अपन बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो हमारी बात कर सकते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, हम डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो सभी के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, तब जाकर के पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। तो हम क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सभी ऑर्गन अलग अलग टिश्यू से मिलकर के बने होंगे, वो टिश्यू अलग अलग सेल से मिलकर के बने होंगे, हम कैसे हो गए, मल्टी सेल्यूलर हो गए ना। नेक्स्ट अपन बात करें सेल के मेन पार्ट्स कौन कौन से होंगे, हम लोगों को पता है जो बाहर की तरफ नजर आता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर की अगर अपन बात करेंगे जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो ब्रेन है हमें कंट्रोल करता है, वैसे सेल के फंक्शन को या वाइटल एक्टिविटीज को या प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ओके, अब अपन बात करें प्लांट सेल की और एनिमल सेल की डिफरेंस के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स की जो साइज होती है वो बड़ी होती है और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स की साइज छोटी होती है। वैक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि प्लांट्स क्या होते हैं, आंधी तूफान बरसात किसी भी कंडीशन हो खड़े हुए रहते हैं ना,
उनको ऐसा कौन है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वो वैक्यूम्स होते हैं जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वहां पे उनकी साइज बड़ी होती है। और अगर अपन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल के अंदर वैक्यूम्स की साइज क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर है, फटाफट से आगे देखते हैं। अब फटाफट से हम एनसीईआरटी में जो जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं फटाफट से उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में सेल डिवीजन पे आ जाएंगे। ओके चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के पास में सही और गलत का फैसला करने का चुनाव आ चुका है। अब आप लोगों के पास में है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है। नेक्स्ट अपन बात करें मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, बिल्कुल सही बात है, ब्रांच सेल होती है। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन, गलत, क्या होता है बेटा सेल होता है, क्या होता है सेल होता है, तो गलत है। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, बिल्कुल सही बात है। ओके चले आगे, लीजिए आप लोगों के सामने आंसर्स भी आ चुके होंगे इनके, और इन लोग इन सभी का डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के सामने दे दिया है फटाफट से। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, स्केलेटन मसल्स वगैरह के बारे में अपन ने बता दिया है, अमीबा के बारे में आप लोगों को बता दिया फटाफट से। ओके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसलिए ताकि हमें इनके बारे में आइडिया रहे कि ये ऑर्गेनिज्म या ये मसल सेल्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। ओके किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप इजीली उसको क्लिक कर जाएं। ओके चलें आगे। अरे यार सही और गलत का फैसला करना है, चले ना। चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, एक स्केच बनाना है किसका, नर्व सेल का यानी कि न्यूरॉन्स का। और यहाँ पे आप लोगों को न्यूरॉन का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये वाला जो पार्ट होता है ये हेड वाला पार्ट है, ये पीछे की तरफ जो टेल है ये टेल वाला पार्ट होता है मतलब। ओके और आप लोगों को जो पार्ट्स याद रखने हैं डेंड्राइट्स, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल। ओके यहां पे आकर के वापस से हेड वाला पार्ट आकर के अटैच हो जाता है इस तरीके से, क्या होता है। और आप लोगों को पता है जो नर्व सेल्स होती है वो क्या करती है, वो मैसेज ट्रांसफर करती है। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, लेट्स से मान लीजिए कि आपका हाथ एकदम से गर्म चीज के ऊपर चला गया, तो एकदम से हम पीछे आते ना। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि कई बार हम लोग चलते चलते क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई जगह पे ऐसी हो या कहीं पर घर पे हम चल रहे हो कोई चीज़ हमारे पैरों के अंदर चुभ जाती है, तो हमारा पैर मतलब इंस्टेंट रिएक्शन करता है कि पीछे की तरफ आ जाता है। मतलब वो मैसेज रिसीव भी कर रहा है और उस मैसेज का ट्रांसफर भी कर रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो नर्व सेल्स की वजह से होता है, न्यूरॉन्स की वजह से होता है। फटाफट से देखो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके डेंड्राइट्स के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा। ओके ये सोमा वाला पार्ट होता है। द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आप लोगों को पता होगा साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये सभी सेल ऑर्गेनेल को पाथ प्रोवाइड करता है, उनका सपोर्ट देता है ताकि सारी की सारी एक्टिविटीज इजिली हो सके। ओके नेक्स्ट अपन बात करें न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल ऑफ द सेल, मतलब सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ द सेल है मतलब। और सेल की डिस्कवरी की अगर अपन बात करें, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की अगर मैं बात करता हूं तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, आप लोगों को पता होगा। और आप लोगों को यह भी पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो मैसेज या जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियस ही हेल्प कर रहा है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे।
क्लियर हो गया ना बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन फटाफट से। चलिए अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनल्स, मतलब कि सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, मुझे बताओ। अरे ये आप लोगों के सामने सेल है, पहले तो इसका एक बार आप दीदार कर लीजिए। ओके, अब आप लोगों को पता होगा ये गोल्जी अपेरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम्स, ये सेंट्रियोल्स होंगे, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और ये सारी की सारी चीजें जो है किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। फटाफट से देखो, फटाफट 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 फटाफट, और आप लोगों को फटाफट से एक सिंपल सी डायग्राम बना देना है। ओके, चले आगे, बहुत सिंपल है बेटा, बस आपको छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्यों? क्योंकि उसको रिजिडिटी चाहिए, और आप लोगों को पता होगा अगर अपन प्लांट सेल को अगर बाहर से देखें तो उसकी स्टेम जो होती है किसी होती है वुडी होती है ना, डेड सेल हो जाती है। ओके, और वो फुली परमिएबल होती है। नेक्स्ट अपन बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स के अंदर लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं। फटाफट से देखो और आप लोगों को छोटा सा डायग्राम बना देना है, क्लियर है? चले आगे, चले क्या, चलो 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 फटाफट से। अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब उसका न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं हुआ। यूकैरियोटिक का मतलब हो जाएगा एडवांस न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस है। एग्जांपल की अगर अपन बात करें, जैसे यूकैरियोटिक के हायर प्लांट्स और एनिमल, इसके अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया वगैरह है। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बीजीए भी कहा जाता है, बस बहुत सिंपल एग्जांपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना सा सफिशिएंट आंसर है, क्लियर? चलो आगे आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्रोमोसोम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स की वजह से तो हो रहे हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी है। फटाफट से देखो, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, जो फंक्शन है, जो इसकी क्रियात्मक इकाई है, वो क्या है, ये जीन्स को कैरी करता है, मतलब कैरेक्टर्स को कैरी करेगा ताकि वो ट्रांसफर हो सके पेरेंट से लेकर के नेक्स्ट जनरेशन के, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी, जो उनकी संतान होगी, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, और क्रोमोसोम्स का ये काम होता है। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फटाफट आगे बढ़ते चले जाते हैं यार। नेक्स्ट, अब आप लोगों को बताना है कि सेल क्या वाकई में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस डायग्राम से बताना चाहता हूं, ये सेल है, सेल मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो भाई एक बार बताओ, इस आदमी की या इस ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति हुई है छोटी सी इकाई से तो हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब बिल्कुल सही बात है, वही चीज लिखी हुई है बेटा यहाँ पे, डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गन कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर? क्लियर हो गया होगा है ना, चले आगे। चलिए अब आप लोगों को पता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्लांट सेल के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं अपन लोग, ये पूरी की पूरी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कैसी स्ट्रक्चर होती है आप लोगों को पता है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, बाहर वाली जो ग्रीन कलर की है, जो ब्रॉड ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा, ये तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ है वो है इनर मेम्ब्रेन। कौन सी है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको क्या कहा है हमने, स्ट्रोमा। अब एक कॉइन के ऊपर कॉइन रख देंगे तो ये क्या बनाएंगे, ग्रेना, और एक स्टिक को क्या कहेंगे हम, ग्रेनम, क्लियर। और एक कॉइन को उठा लूं अगर तो उसे कहेंगे हम थाइलेकोइड,
और थाइलेकोइड के अंदर क्या होते हैं क्वांटाजोम्स, क्वांटाजोम्स में क्या होते हैं क्लोरोफिल और वहां होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये जो कॉइंस होते हैं आपस में जिस स्ट्रक्चर के साथ में अटैच्ड होते हैं उसे कहा जाता है स्ट्रोमल लेमिला, और इसके बीच की स्पेस को कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार देख लो बेटा। चले आगे, चलो फटाफट से, एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको डिफरेंस बताना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको डिफरेंस बताना है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे प्लांट सेल है और आप लोगों के सामने यहाँ पे एनिमल सेल है। सेल साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लांट सेल कैसी होगी, लार्जर होगी, और यहाँ पे कैसी होगी बेटा, स्मॉलर होगी। क्लियर, सेल वॉल की मैं बात करूं तो सेल वॉल प्रेजेंट है क्या, हाँ सर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या सेल वॉल है क्या, सेल वॉल तो है ही सही और सेल मेम्ब्रेन भी है, यहां पे ओनली सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर, और आपको साइज तो नजर आ रही होगी, ये साइज थोड़ी बड़ी है ना। प्लास्टिडी की अगर मैं बात करूं, ये अपना खाना खुद ब खुद बनाती है, ये खाने के लिए अपन किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं ना। वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे ये वैक्यूल्स है ना, ये वैक्यूल्स है, यहाँ पे भी आपको वैक्यूल्स नजर आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स। क्लियर है, तो यहाँ पे कैसे होते हैं स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें गोल्जी बॉडीज की, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज को आप लोगों को पता होगा, और सेंट्रोसोम की बात करूं मैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके क्लियर, चलो फटाफट से अपन फटाफट एक बार, क्योंकि सेल डिवीजन पढ़ना है ना, उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, यानी कि सेल की बाउंड्री की मैं बात करूं, तो वो किससे मिलकर के बनी होती है, आप लोगों को पता होगा वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। इस तरीके से ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है, और इसे हम क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है ना, सैंडविच मॉडल कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट से उन्होंने मिलकर के की थी। क्लियर, न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो इसको कंट्रोल करने का काम किसको, सेल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है, और सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं उसमें कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। आई होप सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक ही बार में क्लियर हो गया होगा। फटाफट से मैंने इनके बारे में आप लोगों को छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके अलावा इनके फंक्शंस बताए हुए हैं, फटाफट देखते चले जाओ। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। अरे यार एक बार बताओ, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे बाहर की तरफ जो बाउंड्री होगी उसे क्या कहेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके, जो किससे मिलकर के बनी होगी, लिपिड्स वगैरह से, लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है। ओके, फंक्शंस की अगर अपन बात करें, सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि कुछ ही पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए अलाउ करेगी। अपन बात करें कंट्रोल करने का काम है, सेल डिविजन में हेल्प करेगा, और कौन से, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करेगा। साइटोप्लाज्म की मैं बात करूं, जितनी भी मैकेनिकल या केमिकल जो प्रोसेस हो रही है वो इसी के अंदर होगी। ईच ऑर्गेनल, जो सारे के सारे जो ऑर्गेनल होते हैं, किस कौन कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म। ईच ऑर्गेनल हैज स्पेसिफिक फंक्शन, और सभी ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फटाफट से देखते चले जाओ यार, चले आगे। चलिए अब अपन बात करते हैं सेल नंबर, सेल साइज, सेल शेप के बारे में। सेल के बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सबसे खास बात, सेल नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। मल्टीसेल्युलर की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट्स है और एनिमल है ना बेटा। सेल साइज की अगर मैं बात करें तो देखो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है माइकोप्लाज्मा है, नर्व सेल है, ऑस्ट्रिच एग जो सबसे बड़ी सेल होती है, ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये लॉन्गेस्ट सेल है और ये लार्जेस्ट सेल है। अब
सेल्स शेप के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कॉलमनर होती है, क्यूबॉइडल होती है, डिस्क लाइक शेप होती है। हमारा आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है? डिस्क लाइक शेप होती है। हम हमारी स्किन की बात करें तो वो कैसी होती है? फ्लैटर्ड होती है। क्लियर? देखते चले जाओ, आगे बढ़ेंगे फिर अपन एक एक नजर में फटाफट से, पूरा का पूरा सेल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चले आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है हमारा सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन। लेकिन सेल डिवीजन से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं, वो ये कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन जो है इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन मेंटेन द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर का मतलब क्या हो गया? 23 इज इक्वल टू 46। मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम्स नंबर पहले भी बताए थे, 46 ही रहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो किस किस में हेल्प करेगा? ग्रोथ में, रिप्लेसमेंट में, रिपेयर में, और रिप्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को पता है ही सही, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें जो माइटोसिस होता है ना बेटा, ये माइटोसिस ये पूरी जिंदगी भर होता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को चोट वगैरह लग जाए तो वहां पे रिपेयरमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वापस से ग्रोथ हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस की वजह से हो रहा है। और मैं मियोसिस की अगर बात करूं तो मियोसिस कब होगा? जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। ओके, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ही जो है बेबी प्रोड्यूस होता चला जा रहा है, बेबी या बच्चा पैदा होता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। जब रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होती है उस टाइम पे मियोसिस होता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से देखो। इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ही होगा। कहाँ होगा? और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव स्टेज के अंदर होता है। ओके, इट लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होगा? गैमेट्स प्रोडक्शन होंगे। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर हमेशा एक्स जैसे ही रहेंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, एन हो जाएंगे। मतलब भाई मम्मी से भी आएंगे, पापा से भी आएंगे। बेबी प्रोड्यूस होगा ना तो कुछ गुण तो मम्मी से मिलेंगे और कुछ गुण पापा से मिलेंगे। ओके, और उन दोनों का जो समावेश होगा वो बेबी के अंदर होगा। क्लियर? फटाफट से देखो। अब आप लोगों को मैं जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बेबी वाला प्रोड्यूस होगा, मतलब बेबी प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर किस तरीके से कौन कौन सी सेल होती है? देखो, ये चार सेल के अंदर होता है, G1, S फेज, G2 फेज और M फेज। क्लियर है? अब मेरी बात सुना, G1 फेज की अपन बात करें या ग्रोथ फेज की बात करें या फर्स्ट गैप की अपन बात करें, इसके अंदर क्या होगा? RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि भाई एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या चाहिएगा? हमें प्रोटीन चाहिएगा। लेकिन यहाँ पे कोई DNA कंटेंट नहीं होगा। लेकिन S फेज की अगर अपन बात करें, सिंथेटिक फेज, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन और DNA, ये दोनों सिंथेसिस होंगे। और यहाँ पे क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगा। क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर की जो फेज होती है, सिंथेटिक फेज होती है, यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होगा। जीवन की ये छोटी सी बहन है, जो मान लीजिए सेम टू सेम एज इट इज होगा। ओके, यहाँ पे अगर अपन बात करें, एम फेज के अंदर सेल ग्रोथ होगी एंड प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। स्टॉप दिस स्टेज एंड द रिजल्ट डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पर पेरेंट सेल। क्लियर है? और ये वाला आप लोगों को लर्न करना होगा, पूरी के पूरा डायग्राम। क्लियर? चले आगे। चलिए फटाफट से, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सेल डिवीजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट वो चीज, एक तो रिप्लेसमेंट, एक रिपेयरमेंट, एक ग्रोथ, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिप्रोडक्शन। फटाफट से देखो, फिर अपन मियोसिस और माइटोसिस को एक बार फटाफट से वापस से देखेंगे। देखियो, माइटोसिस की अगर मैं बात करूं, इट अकर्स इन नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द टू न्यू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल बिकॉज दे हैव द सेम क्रोमोसोम्स। इट अकर्स ओनली रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जब रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होगा उस टाइम पे ही ये क्या होगा? एक्टिव होगा। इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स, मतलब यहां पे क्या होगी? 4 नई सेल्स बनेगी विद हाफ द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। और यहाँ पे क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे, यानी मतलब 23 हो जाएंगे।
यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स नंबर तो हाफ हो गए, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 23 हो गए। ओके, अब आप बोलोगे सर ये आधे क्यों है? अरे भाई आधे इसलिए है क्योंकि 46 अगर एक ही आदमी से ले लिए जाएंगे तो एक ही आदमी के गुण आएंगे, तो वेरिएशन तो होगा ही नहीं ना, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन चाहिए, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट चाहिए, तो वो डिफरेंट कैसे मिलेगा? तो क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाएंगे। क्लियर? फटाफट देखो, इस वाले डायग्राम को आप लोगों को हमेशा लर्न रखना है बेटा। ओके, सेल साइकिल क्या होता है, किस तरीके से होता है, G1 फेज में क्या होगा, S फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा, M फेज में क्या होगा, बस यही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और ये प्रोटीन का नाम याद रखना है आपको, हिस्टोन प्रोटीन अकर्स कौन सी वाली फेज में हो रहा है? S फेज में हो रहा है। ओके, क्लियर है? तो आज जो हम लोगों ने देखा है, एक तो सेल वाला चैप्टर पूरा का पूरा हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, एनसीईआरटी के सारे की सारी चीजों को कवर करा है, एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए उनके सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखे, प्लस सेल डिवीजन को देखा है। ओके, एक बार आप लोगों को फटाफट से वापस से सेल डिवीजन देखने और सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को लर्न कर लेने हैं, है ना। एनसीईआरटी के अंदर सेल डिवीजन सिर्फ हमें बताया गया है, मियोसिस माइटोसिस वर्ड का जिक्र हुआ है लेकिन सेल डिवीजन बताया नहीं है, है ना, लेकिन अपन ने फिर भी अपना इतना स्टडी कर लिए। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक बार इसका रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन सेल डिवीजन को फिर से देखेंगे, लेकिन एक बार आप लोगों को पढ़ना होगा। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। क्लियर है ना? और आप लोगों के लिए जो मैंने होमवर्क दिया है गूगल क्लास रूम पे, आप लोगों को उसको जल्दी जल्दी सबमिट करना है। ओके, चलें, बाय, थैंक यू।